नमस्कार आदम भाई नमस्कार सरवण भाई क्या हाल चाल आपके बस बढ़िया बढ़िया भाई आप सुनाओ <coughs> बस बढ़िया है और आज आया हुआ हूँ भाई राजू भाई के फार्म पे कोडिया रजिस्टर्ड फार्म वेलकम भाई, भाई सुना था इस फार्म के बारे में और जितना सुना था उतना ही अच्छा है बिल्कुल फार्म तो चलो अच्छा बनाया है राजू भाई ने जी लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मारवाड़ी घोड़ों को आगे बढ़ाने में या इस ब्रिड को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है जी जी इस एरिया में बहुत बड़ा योगदान है बिल्कुल बहुत सारी गुड़िया ब्रीड की हुई है बहुत सारी गुड़िया ब्रीड की हुई है और यहाँ घोड़े एक से बढ़कर एक घोड़े रहे तो बहुत सारी घुड़िया ब्रीड हुई है इस इस एरिया पे सुधारा है जहाँ अच्छा घोड़ा रहा हो तो वहाँ ब्रीड सुधरेगी सुधरेगी बिल्कुल और आपके जरूरत आप बता रहे थे की यहाँ से जो चैंपियन जो घोड़े हैं जी वो निकले हुए हैं और आज भी वो इंडिया में नाम कर रहे हैं हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे घोड़े अच्छे घोड़े फिर उस घोड़ों को उस हिसाब से बनाया भी बहुत अच्छा बनाया बिल्कुल, बिल्कुल और फिर उस घोड़ियों को मेटिंग भी बहुत दी अब घोड़े अच्छे तो हर जगह खड़े ही है लेकिन मेटिंग ना दे हो, तो फिर वो काम का नहीं बिल्कुल बिल्कुल और इस एरिया में ऐसा कोई जैसे बड़ा आदमी किसान आदमी किसी को वापस नहीं भेजा है अच्छा अच्छा कोई आ गया है कोई किसान आ गया उसको वापस कभी ऐसे नहीं भेजा कि आपके पास पूरी फीस नहीं है जब हो तब देना वरना मैं आपको बता आदम भाई इतना बड़ा फार्म फार्म जी और ऐसी फैसिलिटीज वाला जी। वहां पे जो नॉर्मल बजट वाले रहते हैं जी वो तो जाने से ही कतराते हैं कि यार इतना बड़ा फार्म है पता नहीं क्या फीस हाँ, क्या बिल्कुल उनके मन में रहता है कि यार इतना बड़ा फार्म है और लेकिन भाई का ऐसा बिल्कुल व्यवहार नहीं है अच्छा अच्छा जो फिश मार्केट में चलती है वो लेते हैं मगर अगर किसी के पास नहीं है तो चलो बाद में दो चार महीना जब आपके पास आए तब दे देना लेकिन ब, 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 बंदे को ना खुश करके वापस मतलब संतुष्टि करके ही हाँ, संतुष्ट करके बेचते है तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ और क्या सकता हूँ इतना बड़ा फार्म है तो मारवाड़ी घोड़ों की जो ब्रीड में सुधारने में जी मतलब मैं कह सकता हूँ राजू भाई का बहुत बड़ा योगदान है बिल्कुल और आज प्रेजेंट टाइम में भी वो इस ब्रिड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान लगे हुए हैं बिल्कुल चलिए आदम भाई आपके बारे में तो लगभग करीब करीब सभी जानते ही हैं कि आप बहुत अच्छे इंडिया में मैं कह सकता हूँ आपके बारे में कि आप बहुत अच्छे घोड़े हैं जो ट्रेंड करते हो जी और आपके जो ट्रेंड किए हुए घोड़े वो चाहे शो में हो चाहे किसी में भी हो जी तो सक्सेस ही हुए कुल मिला के हाँ बिल्कुल देखो जो अपन मेहनत करते हैं वो कहीं कहीं सक्सेस तो होते ही है और दिल से मेहनत किया बिल्कुल लगाव तो घोड़ों से बचपन में है आज भी दिल से ही है आ, देखो जिसको लगाव हो जाता है तो वो फिर मतलब उसी लाइन में चलता है कि चल, यार, चल, आ, हाँ, जो अगर दिल से काम कर रहा हो मैं कहता हूँ हंड्रेड तो परसेंट सक्सेस ही होगा मिलेगा मिलेगा हाँ अगर दिल से आपका दिल ही नहीं हो आप पैसों के लिए काम कर रहे हो वो कभी सक्सेस नहीं होगा पैसे तो आज कमा लोगे कल उड़ जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल और ये प्यार ये हमेशा रहे ये प्यार घोड़ो में जो घोड़ो ने जो प्यार दिया है वो हमेशा रहेगा रहेगा लोग मरते दम तक तो याद करेंगे जा? कि यार कोई आदम भाई था कोई राजू भाई था जी शरवण भाई था जी जी बिल्कुल चलिए आदम भाई एक घोड़ा आप मेरे को दिखा रहे हो बच्चा जी काफी सुना है इस बच्चे के बारे में जी uh, सबसे पहले मैं इसका नाम और इसकी क्या डिटेल है पूरी स्टोरी इसी आपके द्वारा ही जानना चाहूंगा इसका नाम है सोन भाई भारत विजय भारत विजय हाँ ये, ये मुझे लगता है कोई सी ऐसी रिंग नहीं होगी अभी मिल्क टीथ में जिसने इसने बाजी हाँ अभी अभी तो इसने चार पांच रिंगे की है जिस रिंग में गया वहाँ विनर फर्स्ट ही आया वहाँ फर्स्ट ही आया जिस रिंग में गया वहाँ फर्स्ट ही आया और चार पांच रिंगे की अभी सारंगखेड़ा बारामती और पूना जोधपुर रणसी अच्छा और अभी अदंती अदंती था अभी पिछले लगभग डेढ़ दो महीने पहले दांत तोड़े है। अभी तोड़े हैं ना हाँ अभी ये तैतीस महीने का हुआ है अभी सैतीस महीने का होगा तैतीस थर्टी थ्री अच्छा थर्टी थ्री थर्टी थ्री अगले नेक्स्ट सीजन लग, इसको भी लड़ाएंगे दांत में लड़ाएंगे अभी रहेगा ठीक है चलो हमारी

रणसी गाँव अच्छा, उनके अच्छा, वहाँ ब्रीड हुआ है और अभी ब्रीडिंग है हाँसी गाँव माँ अलमारा बताइए आपने हाँ अलमारा जिसने बहुत टॉप के घोड़े पैदा किए टॉप तो के घोड़े पैदा किए उस और इसके माँ साइड भाई है देव हो गया सप्ताश हो गया और और भी है मुझे इतना याद नहीं आ रहा है अच्छा अच्छा बहुत अच्छे अच्छे घोड़ों का मदर साइड मदर साइड मदर साइड हाँ और फादर साइड भारत रत्न आ गया हम्म हम्म और बाप तो बाप भी इसका चैंपियन है हाँ वो भी बहुत सारे रिंगों में जीता हुआ बहुत सारी रिंगों में चैंपियन है हाँ, और ब्रीडिंग में भी बहुत बहुत अच्छा घोड़ा बहुत अच्छा घोड़ा बहुत, अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा इससे पहले शिवा घोड़ा आपके वहाँ यहाँ पे था वो कल ही यहाँ से गया है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दोगे वो घोड़ा सप्ताश का बेटा है अच्छा हाँ सप्ताश काले घंटे का हो गया ठीक है और उसकी माँ अपने देवराज जो देवदरबार लाइन का उस घोड़े की है बहुत ही अच्छी घोड़ी उसका वो यहाँ तो वो करीबन तीन चार साल जैसा अहमदाबाद अच्छा, अच्छा, हुआ, तो हुआ था अच्छा वहाँ से कहीं दूसरी जगह चला गया वहाँ से राजू भाई खरीद के लाए थे लाए तब मार्केट में घोड़ा पिटा हुआ था अच्छा वो घोड़ा पिटा हुआ था यहाँ लाके उन्होंने मेहनत की उसको तैयार किया एक शो भी जिताया और लाज जवाब घोड़ा बना के पब्लिक को बताया ये नहीं घोड़े नहीं, के बारे में काफी सुना है मैंने। हाँ, बहुत, बहुत, ब्रीडिंग आ, में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ब्रीडिंग में बहुत अच्छा हाँ। और उसके काफी बच्चे हैं इस एरिया हाँ, इस एरिया में घोड़िया इतनी कोई घोड़े से मेट नहीं होगी इतनी उस घोड़िया से मेट हुई है और एक से बढ़कर एक रिजल्ट दिया रिजल्ट भी अच्छा तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ की जो राजू भाई के यहाँ से हाँ कल ही गया है, गया है। हाँ। और वैसे तो सारे हीरे ही हैं हाँ बिल्कुल देखो एक जगह अब उससे भी बढ़कर दूसरा भी है बिल्कुल तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एक को निकालना पड़े तब दूसरे को भी तैयार करना तैयार करना है तो राजू भाई का तो यही सिस्टम है दो चार साल रखते हैं और अच्छा बना बना के घोड़ा अच्छा ब्रीड अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करके फिर उसको सेल कर देते हैं ब्रीडिंग में इसमें नाम करके फिर जो आप राजू भाई का ये रहता है कि हाँ भाई कोई अगर अच्छा और कोई सेवा करने वाला हो हाँ तो उसको आप दे देते हो हाँ बिल्कुल ठीक है इस भारत विजय क्या नाम बताए भारत भारत विजय भारत विजय है ना हाँ। इसके बारे में और जानकारी चाहूंगा कैसा स्वभाव का कैसा है ये क्योंकि मुझे लगता है आपने भी इस घोड़े को काफी टाइम दिया आदम भाई हाँ ये लगभग दो साल का था तब से मेरे हाथ में ये समझो आप अच्छा दो साल का था हाँ थीक, और स्वभाव का एकदम शांत स्वभाव का है और एकदम मतलब मारवाड़ी करेक्टर जो बोलते हैं वो इस घोड़े में है बहुत ही अच्छा घोड़ा है अच्छा इस घोड़े को देख के आदम भाई आपको कौन सा घोड़ा याद आता है जो ओल्ड घोड़ा हो कोई भी ओल्ड घोड़े तो यार बहुत सारे हैं किसका नाम ले जो मतलब इस घोड़े को आप देखते हो क्योंकि आपने भी काफी घोड़े देखे हैं जी जी इस घोड़े में जो ब्यूटी है जो कद काटी है इसका देखने का अंदाज है इसका जो हाँ जो जो पुराना टाइम में जो पुराने बोलते थे कि नगाड़े वाले पुठे हाँ हाँ। और खुली छाती खुले पोड़ गर, गर्दन में मरोड़ वो सब कुछ इसमें है सब कुछ है इसमें। हाँ हम्म क्योंकि आपकी नजरें हैं आप काफी घोड़े हैं जो आपने ट्रेन किए हैं जी जी थर्टी थ्री मंथ का इसकी एज होगी हाँ, हो और इसकी हाइट होगी हो तो बहुत 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 अच्छी 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 की है बहुत 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 अच्छी बहुत अच्छी की है, है। हाँ, और चाहे फादर साइड से मानो चाहे मदर साइड से मानो हाँ दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग ही है ब्लड लाइन दोनों तरफ से दोनों बहुत ही मजबूत है बाकी ये है और घोड़े घोड़े ने भी प्रूफ करके दिखा दिया है बिल्कुल बिल्कुल हाँ अभी इसको घुड़िया भी मेट हो गई है करीबन 20-25 गोड़ियाँ मेट हुई है अच्छा इसी अभी कवरिंग स्टार्ट की है ओके 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 हाँ तो अच्छा इसके कोई रिजल्ट रिजल्ट आया अभी रिजल्ट अभी आने वाले हैं अच्छा अब आएंगे ना हाँ ठीक है ठीक है ठीक हाइट इसकी हो गई 65 फाइव हाँ हाइट अच्छा, राजू भाई के पास कितने टाइम से है ये कब बच्चा लाए थे क्या? अभी ये लगभग चौबीस महीने का था तब लाए थे मान लो साल भर अच्छा अभी टाइम अभी हाँ, अभी लाए तो पहले ये रणसी रणसी में था अच्छा रणसी गाँव से डायरेक्ट यही है ठीक ठीक है थीक है चलो अच्छा घोड़ा है आदम भाई और आने वाले टाइम का सुपर स्टार कर रहे मेहनत कर रहे हैं जरूर मेहनत रंग लाएगी बिल्कुल सुपर स्टार घोड़ा बनेगा ये हाँ और ये जैसे इसका फादर चैंपियन है जैसे इसकी माप बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन और काफी अच्छी घोड़ी है हाँ बहुत बो, बहुत अच्छी घोड़ी है ये मतलब ये घोड़ा मैं ये कह सकता हूँ आदम भाई के इसमें आपका भी नाम होगा राजू भाई का भी नाम होगा बिल्कुल नाम तो होगा ही और रणसी गांव का भी नाम होगा नाम होगा बिल्कुल जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ नाम ही करेगा तो। नाम ही करेगा बिल्कुल ब्रीडिंग में भी अच्छा साबित करेगा बिल्कुल बिल्कुल ब्रीडिंग में तो करेगा अच्छे पेटेगरी है माँ बाप दोनों की तरफ मैं कह सकता हूँ इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है सोचने की जरूरत नहीं है कि इसको कौन सी घोड़ी क्या दे दोनों तरफ से स्ट्रोंग ब्लड लाइन ही है माँ की तरफ से देखा जाए तो भी बाप की तरफ देखा जाए तो भी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ब्रीडिंग आपने स्टार्ट सर्विस के लिए ओपन किया है आदम भाई क्या इसकी फीस आपने रखी हुई है घोड़े की क्या है? अभी इसको चालू किया है इसकी फीस है एक लाख पच्चीस हजार रूपए अच्छा सवा लाख रूपए सवा लाख रुपए फीस है ठीक है अच्छा शुरुआती फीस यही है या हाँ फीस यही है शुरुआती है, शुरु है।, है अच्छा, स्टेबलिंग के साथ जैसे कोई घोड़ी आती है हाँ उनके लिए और क्या आपके पास यहाँ पे स्था? हाँ यहाँ पूरी व्यवस्था है डॉक्टर की व्यवस्था है अच्छा। और कंफर्म करके भेजते हैं हाँ सब रूम वूम सब है ठीक है ठीक है सवा लाख रूपए पीस आपने बताई हाँ और स्टेबलिंग सुविधा है आपके यहाँ हाँ और क्या कहना चाहोगे आदम भाई इस घोड़े के बारे में और मार्केट के बारे में मार्केट का रुझान कैसा है मार्केट तो, का बढ़िया है अभी तो फिलहाल गर्मी चल रही है तो गर्मी तो हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है तो गर्मी के बाद अभी बारिश भी आएगी बारिश आएगी फिर मार्केट वापस आएगा अच्छा आदम भाई आपके बारे में भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा ऐसी वीडियो में जी आपने भी काफी घोड़े है जो ट्रेंड किए हैं हाँ आपका फ्यूचर क्या था और आज क्या हो कहाँ हो आप देखो हम जो भी है घोड़ों की वजह से ही है ठीक है आज जो भी हमने छोटा मोटा जो नाम किया है वो इन घोड़ों की वजह से ही किया है बिल्कुल बिल्कुल हम पहले शुरुआत में घोड़े घुमाया करते थे अच्छा आप वैसे के बाड़ में? में बाड़ में देरासर गांव है हमारा ठीक है और मेरे फादर साहब ट्रेनर है घोड़ों के ट्रेनर है वो भी। हाँ तो जालोर एरिया में वो ट्रेन कर, किया करते थे पहले ठिकानों में सब ये बहुत अच्छे अच्छे नाम ही घोड़े उन्होंने किए हुए हैं ट्रेन किए हैं हाँ तो मैं पहले स्कूल में पढ़ाई करता था फिर उनके साथ मैं जालोर एरिया में घोड़े घुमाने लग गया था तो वहाँ से मतलब आपको ज्ञान मिला हुआ है हाँ वहाँ से मैं घुमाते घुमाते निकला मैं रणसी गांव घोड़े घुमाने गया था अच्छा अच्छा रणसी गाँव मैंने वहाँ घोड़े दो तीन घुमाए तो फिर सोए बनार ने मुझे बोला कि आप में हुनर है और आप उन घोड़ों से अच्छा है फार्म में काम करो फार्मो में घोड़े घुमाओ ठीक है तो वहाँ से उन्होंने मुझे गाइड किया और आज मैं आपके सामने हूँ अच्छा गाइड करते हैं वैसे देखा जाए तो हाँ बिल्कुल जो अगर आप किसी चीज के लायक हो और आपको मार्केट में जरूरत है सही है तो मुझे लगता है हर बंदे का सपोर्ट करना चाहिए हर बंदे का सपोर्ट करते भी है हाँ बिल्कुल बहुत से जो अच्छा बंदा काम कर रहा है देखो आज मैं आपके सामने हूँ क्या था और कहा हूँ उनकी वजह से हूँ बिल्कुल बिल्कुल और उन्होंने मुझे फर्खा और उनको लगा कि मार्केट में इसकी जरूरत है तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया आज भी सपोर्ट है बिल्कुल। और आज भी हर फार्म वाले का सपोर्ट है मुझे देखो जो तो अच्छा काम करता है है हाँ, सपोर्ट मिलता ही है। अगर मारवाड़ी घोड़ों में कोई काम अच्छा कर रहा है तो मुझे लगता है उसको सपोर्ट करना चाहिए बिल्कुल करते भी है लोग तो मतलब आप जो बाड़मेर एरिया के हो और आपके पिताजी भी ट्रेनर थे हाँ और उनके साथ ही आपने ये सीखा और हाँ। आज मैं कह सकता हूँ आदम भाई आपके बारे में भी पूरा इंडिया में आपका नाम है कि आदम भाई कोई ट्रेनर है जो घोड़े अच्छे ट्रेन करता है हाँ, कर मेहनत भाई चलिए ठीक है आदम भाई बहुत अच्छा एक बच्चा आपने मेरे को दिखाया है और हम कुछ किस्मित है जो आपने एक अच्छा हमारे कैमरे के सामने आया घोड़ा और अब हमारे जो व्यूवर्स है जो देख रहे हैं उनको भी काफी पसंद आएगा आपका ये भारत विजय हाँ अच्छी चीज है पसंद तो आएगा थैंक यू ശുരി താങ്ക് യൂ ഓക്കെ